हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले ईडी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के दो विधायकों पर ईडी ने शिकंजा कसा है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले ईडी का बड़ा एक्शन सामने आया। ईडी ने कांग्रेस के दो विधायक राव दान सिंह और अवैध खनन मामले में सोनीपत के विधायक सुरेंद्र पवार पर कार्रवाई की है। दरअसल बीते दिनों ईडी ने दिल्ली गुरुग्राम जमशेदपुर में हरियाणा के महेंद्रगढ़ से विधायक राव दान सिंह और उनके परिवार से जुड़ी कंपनी मेसर्स अलाइड स्ट्रिप्स लिमिटेड के जरिए 1392 करोड़ के बैंक घोटाला केस में 16 जगह पर रेड की थी। रेड के दौरान ईडी की टीम ने 1.42 करोड़ रुपए जब्त किए और 32 फ्लैट के दस्तावेज और लॉकर सीज किए थे। दरअसल हरियाणा के महेंद्रगढ़ से विधायक राव दान सिंह और उनके परिवार से जुड़ी कंपनी मेसर्स अलाइड स्ट्रिप्स लिमिटेड के जरिए 1392 करोड़ रुपए का लोन लिया गया, जिसे बाद में वापस नहीं लौटाया गया, जिसके चलते ईडी ने 1392 करोड़ रुपए के बैंक घोटाला मामले में 5 शहरों की 15 लोकेशंस पर छापेमारी की। ईडी ने पीएमएलए के तहत महेंद्रगढ़ से विधायक रावदान सिंह, मिसर्स एलाइड स्ट्रिप्स लिमिटेड के अक्षय सिंह और प्रमोटर मोहिंदर अग्रवाल और गौरव अग्रवाल के दिल्ली, गुड़गांव, महेंद्रगढ़, बहादुरगढ़ और जमशेदपुर सहित कुल 15 ठिकानों पर और उनके आवास व्यवसायिक परिसर में छापेमारी की। रावदान सिंह के बेटे अक्षत सिंह की संस्थाओं पर छापेमारी की और अन्य जगह छापेमारी के दौरान ईडी की टीम ने 1.42 करोड़ रुपए जब्त किए, 32 फ्लैट के दस्तावेज और लॉकर सीज किए गए। फिलहाल ईडी की टीम बैंक लोन घोटाला मामले की जांच में जुटी है। ईडी ने दूसरी कार्रवाई अवैध खनन मामले में सोनीपत के विधायक सुरेंद्र पवार पर की। बीते दिनों हरियाणा में ईडी ने यमुनानगर इलाके में अवैध खनन मामले में सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद ईडी उन्हें कोर्ट में पेश कर 9 दिन रिमांड पर ले गई। ईडी ने इससे पहले 4 जनवरी को सोनीपत में सुरेंद्र पवार और उनके सहयोगियों के परिसर में छापेमारी की थी। इसमें ईडी के अधिकारियों ने उनके आवास और कार्यालय से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए थे। ईडी की टीम ने हरियाणा के यमुनानगर, सोनीपत और करनाल क्षेत्र में अवैध खनन से संबंधित छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। ईडी ने बताया कि इस मामले में अवैध खनन मामले में लगभग 400 से 500 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई, जिसकी वो अब जांच में जुटी है। फिलहाल कांग्रेस का कहना है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक है और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है। बीजेपी हार की डर की वजह से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हरियाणा की सत्ता किसके हाथ में आती है। दिल्ली से टोटल न्यूज के लिए कैमरामैन मुकेश के साथ जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।